जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता आमाल किए हम अनकरीब उन्हें उन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहाँ साफ सुथरी बीवियाँ होंगी और हम उन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ और जब लोगों का फैसला करो तो अदलो इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है देखता है। ए ईमान वालों फरमा बरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमा बरदारी करो रसूल की और तुम में से इख्तियार वालों की। फिर अगर किसी चीज में इख्तलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान है ये बहुत बेहतर है और बाएतबार अंजाम के बहुत अच्छा है। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिनका दावा तो ये है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आप से पहले उतारा गया है उस पर उनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि शैतान का इनकार करें। शैतान तो ये चाहता है कि उन्हें बहका कर दूर डाल दे। उनसे जब कभी कहा जाए कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा कलाम की और रसूल की तरफ आओ तो आप देख लेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर रुके जाते हैं। फिर क्या बात है कि जब इन पर इनके करतूत के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह ताला की कस्में खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप ही का था। ये वो लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर बखूबी रोशन है। आप उनसे चशम पोशी कीजिए, उन्हें नसीहत करते रहिए और इन्हें वो बात कहिए जो इनके दिलों में घर करने वाली हो। हमने हर हर रसूल को सिर्फ इसीलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी फरमा बरदारी की जाए। और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से अस्तगफार करते और रसूल भी उनके लिए अस्तगफार करते तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को माफ करने वाला मेहरबान पाते। सो कसम है तेरे परवरदिगार की ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तमाम आपस के इख्तलाफ में आपको हाकिम न मान लें। फिर जो फैसले आप इनमें कर दें इनसे अपने दिल में और किसी तरह की तंगी और नाखुशी ना पाएं और फरमा बरदारी के साथ कबूल कर लें। अगर हम इन पर ये फर्ज कर देते कि अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ तो इसे इनमें से बहुत ही कम लोग बजा लाते। और अगर ये वही करें जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है तो यकीनन यही इनके लिए बेहतर और बहुत ज्यादा मजबूती वाला है। और तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन इन्हें राह रास्त दिखा दें। और जो भी अल्लाह ताला की और रसूल की फरमा बरदारी करे वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग। ये बेहतरीन रफीक हैं। ये फजल अल्लाह ताला की तरफ से है और काफी है। अल्लाह ताला जानने वाला है। ऐ मुसलमानों अपने बचाव का सामान ले लो फिर गिरोह गिरोह बनकर कूच करो या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। और यकीनन तुम में से बाज वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं उनके साथ मौजूद न था। और अगर तुम्हें अल्लाह ताला का कोई फजल मिल जाए तो इस तरह कि गोया तुम में उनमें दोस्ती थी ही नहीं। कहते हैं काश मैं भी उनके हमरा होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। बस जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखरत के बदले बेच चुके हैं उन्हें अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हुए शहादत पा ले या गालिब आ जाए यकीनन हम उसे बहुत बड़ा सवाब इनायत फरमाएंगे। भला क्या वजह है
कि तुम अल्लाह की राह में और उन नातवां मर्दों, औरतों और नन्ने नन्ने बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद न करो जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, उन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हिमायती मुकर्रर कर दे और हमारे लिए खास अपने पास से मददगार बना। जो लोग ईमान लाए हैं वो तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो अल्लाह ताला के सिवा औरों की राह में लड़ते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी हीला बिल्कुल बोदा और सख्त कमजोर है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो, फिर जब उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो इसी वक्त इनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी जैसे अल्लाह ताला का डर हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे, ऐ हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज कर दिया, क्यों हमें थोड़ी सी जिंदगी और न जीने दी। आप कह दीजिए कि दुनिया की सूद मंदी तो बहुत ही कम है और परहेजगारों के लिए तो आखरत ही बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी सितम रवा न रखा जाएगा। तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, गो तुम मजबूत किलों में हो, और अगर उन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुँचती है तो कह उठते हैं कि ये तेरी तरफ से है। उन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, इन्हें क्या हो गया है कि कोई भी बात समझने के भी करीब नहीं। तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह काफी है। उस रसूल की जो अतात करे उसी ने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको कुछ उन पर निगेबान बनाकर नहीं भेजा। ये कहते तो हैं कि अतात है, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें की एक जमात जो बात आपने या उसने कही है उसके खिलाफ रातों को मशवरे करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है, तो आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला काफी कारसाज है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। जहां इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली इन्होंने इसे मशहूर करना शुरू कर दिया, हालांकि अगर ये लोग इसे रसूल के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर नाजिल न होती तो मादूदे चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरी जात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रगबत दिलाता रहे, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त कुवत वाला है और सजा देने में भी सख्त है। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बदी की सिफारिश करे उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो या इन्हीं अल्फाज को लौटा दो, बिला शुबा अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तुम सबको यकीनन कयामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा। तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो, उन्हें तो इनके आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया है। अब क्या तुम ये मंसूबे बांध रहे हो कि अल्लाह ताला के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो, जिसे अल्लाह ताला राह भुला दे
तो हरगिज उसके लिए कोई राह न पाएगा। इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं, तुम भी उनकी तरह कुफ्र करने लगो और फिर सब यकसा हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम के खातिर वतन न छोड़ें, इनमें से किसी को हकीकी दोस्त न बनाओ। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहां भी ये हाथ लग जाएं। खबरदार, इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न समझ बैठना, सिवाय उनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हों, जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने से तंग दिल हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी अख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई न करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिनकी बजाहिर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो औंधे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी न करें और तुमसे सुलह का सिलसिला जम्बानी न करें और अपने हाथ न रोक लें, तो इन्हें पकड़ो और मार डालो जहाँ कहीं भी पालो। यही वो है जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत इनायत फरमाई है। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन को कत्ल कर देना जेब नहीं, मगर गलती से हो जाए तो और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले, उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना और मक्तूल के अजीजों को खून बहा पहुंचाना है। हाँ, ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ कर दें। और अगर मक्तूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और हो वो मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आजाद करनी लाजमी है। और अगर मक्तूल इस कौम से हो कि तुम में और उनमें अहदो पैमा है, तो खून बहा लाजिम है जो इसके कुनबे वालों को पहुंचाया जाए। और एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना भी जरूरी है। बस जो ना पाए उसके जिम्मे 2 महीने के लगातार रोजे हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले, उसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह ताला का गजब है, उसे अल्लाह ताला ने लानत की है और उसके लिए बड़ा अजाब तैयार रखा है। ऐ ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुम में से सलाम अलैक करे तो उसे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम जरूर तहकीक और तफ्तीश कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जहाद करने वाले मोमिन और बगैर उजर के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत फजीलत दे रखी है। और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दे रखी है, अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी। और अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे, ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते। यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। मगर जो मर्द औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें न तो किसी चाराए कार की ताकत और न किसी रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ फरमाने वाला है। जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा, वो जमीन में बहुत से कयाम की जगहें भी पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर उसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे साबित हो गया। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।